उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही। शूटर के पश्चिम बंगाल में छिपे होने की आशंका है। असद और गुड्डू मुस्लिम के बंगाल में छिपे होने की आशंका है। दोनों शूटर को पकड़ने बंगाल पहुंची एसटीएफ टीम और बंगाल में यॉर्ड क्षेत्र में शरण लेने की आशंका है। तेजी से लोकेशन बदले शूटर और कई बार शूटर्स के नजदीक भी पहुंची थी पुलिस की टीमें, लेकिन लगातार जो शूटर्स हैं वो अपनी लोकेशंस को बदल रहे हैं। मानवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, दो अभी तक जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर हो चुका है, सदाकत खान को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ चल रही है, लेकिन बाकी जो पांच शूटर हैं वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। अभी तक खबर थी कि नेपाल में छिपे हो सकते हैं, लेकिन अब खबर है कि पश्चिम बंगाल में ये शूटर छिपे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कई बार देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले अपराधियों के लिए पश्चिम बंगाल सेफ हेवन बन जाता है और कई बार ये लोग वहां पर जाकर छुपे रहते हैं और कई बार पुलिस जो है वहां पहुंच करके उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो शायद यही फार्मूला जो है ये इस हत्याकांड के शूटर्स ने आजमाया है और वो पश्चिम बंगाल गए हैं। उनको लगता है कि वहां पर शायद पुलिस उनको ना पकड़ पाए और तमाम ऐसी जगहें हैं जो अपराधियों का गढ़ है पश्चिम बंगाल में, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस आसानी से नहीं पहुंच पाती है, तो शायद यही वजह है कि इस बात की आशंका है कि दोनों शूटर जो है गुड्डू मुस्लिम और असद पश्चिम बंगाल में छुपे हुए हैं और उनकी तलाश के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीमें वहां पर लगातार जो है वो दबिश दे रही हैं। मानवेंद्र, इससे पहले खबर थी कि ये लोग नेपाल में हो सकते हैं, नेपाल भाग सकते हैं, एसटीएफ की टीमें क्या नेपाल भी गई हुई हैं? जी बिल्कुल, जो ठिकाने सबसे मुफीद हैं अपराधियों के लिए उन सब जगहों पर जो एक रूट तैयार है कि अपराधी कहां से कहां जा सकते हैं, तो उस पर पश्चिम बंगाल भी टीमें गई हुई हैं और नेपाल में भी टीमें गई हुई हैं। और चूंकि अगर नेपाल की बात की जाए तो वहां पर इंटेलिजेंस आईबी की भी मदद ली जा रही है, आईबी के तमाम जो सोर्सेज हैं वो भी वहां पर सक्रिय किए गए हैं ताकि ये लोग वहां पर पहुंच करके कहीं पर अगर शरण लेते हैं तो पकड़े जाएं। तो नेपाल के अलावा पश्चिम बंगाल और तमाम ऐसी जगह जहां पर आमतौर पर ये माना जाता है कि अपराधी अपराध करने के बाद भागता है और छुपने के लिए एक सुरक्षित स्थान मानता है और ये मानता है। ठीक है मानवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो एसटीएफ की टीम पश्चिम बंगाल भी रवाना हुई है, वहां पर भी जो लोकेशन